नमस्कार दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। वैदिक काल में फणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिए, व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए उपयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मुरुगन। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो यह कांस्य में। अगला है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो यह कव्वाली शैली। अगला है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अगला है, अकबर नामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, पांडवों को कौलिक सर्वप्रथम किस विदेश यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। अगला है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। अगला है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अगला है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उद्दन। अगला है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभि निष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अश्वशाला के विधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आफूर। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अगला है, विशिष्टा द्वैत का प्रवर्तक कौन थे? रामानुजा चार रामानुज या चार चार। अगला है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। अगला है, चोल वंश का संस्थापक कौन थे? विजयालय। अगला है, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। अगला है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। अगला है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। अगला है, उत्तरा रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो यह अल बरूनी। अगला है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो यह था राजेंद्र प्रथम ने, प्रथम से। अगला है, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर। अगला क्वेश्चन है, नायब एम मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? ये था मुईज उद्दीन बहराम शाह ने। अगला है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? कहा जाता था सोहरत ए आम। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? ये था मीर कासिम ने। अगला है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यह अयोध्या अभिलेख।
अगला है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बटा था? तो ये 7 वर्गों में, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। अगला है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। अगला है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसिंह थी, जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण किया करवाया था? तो कैलाश मंदिर। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। अगला है, शेर शाह है का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, बिहार में। अगला है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। अगला है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। अगला है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंक के काल में। अगला है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। अगला है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? मौर्य वंश। अगला है, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। अगला है, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। अगला है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अली नगर की संधि। अगला है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। अगला है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। अगला है, सल्तनत कालीन प्रांतों की सेना क्या कहलाती थी? हसमे अतराप। अगला है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नांग भट्ट ने। अगला है, महाराज रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के साथ परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉक। अगला है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाहगे। अगला है, सोमनाथ मंदिर पर महबूब गजनी की गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? भीम पेथम। अगला है, फोत्तो उस सलातीन की रचना किसने की तथा कब? तो ईसामी ने की 1350 में। अगला है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नांगनिका ने। अगला है, हाल ही ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? हाल ने, प्राकृतिक भाषा में। अगला है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। अगला है, संगम युगीन ग्रंथ तोलक्कपियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल।
है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अनबेटेस रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। अगला है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व। अगला है, बाणभट्ट एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। अगला है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। अगला है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अपने अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू। अगला है, महात्मा बौद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? विशेनजीत। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने।